नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। हमें क्या करना है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डेज को आवर्स में कन्वर्ट किया था, और जब हम सेकंड क्वेश्चन में आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स आवर्स इन एवरी क्वेश्चन आवर्स आर गिवन, आवर्स को क्या बनाना है, मिनट्स बनाना है। और आवर्स आवर्स बड़ा होता है मिनट्स से, वन आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स, क्योंकि जो हमारी क्लॉक है, क्लॉक के अंदर जब मिनट वाला हैंड एक कंप्लीट राउंड ले लेता है कि 12 से वापस अगेन 12 पे आ जाता है मिनट वाला हैंड, तो वन आवर होता है ना, और वन आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स, क्योंकि जो वन नंबर से अनदर नंबर पे 12 से अगर मिनट हैंड 12 से अगर वन पे जाता है तो उसको कितनी सेकेंड्स लगती है, 5 सेकेंड्स, यानी कि 12 से 1 पे जाने के लिए उसको 5 टाइम्स टिक 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 ऐसे करती है, वो कौन सा है, सेकंड हैंड। और जो मिनट हैंड है, जब वो सेकंड वाला हैंड 5 राउंड्स लगा लेता है तब वो 12 से 1 पे जाती है और फिर 2 पे जाती है। इट मीन्स 1 नंबर में 5 मिनट्स हैं तो 12 नंबर्स होते हैं क्लॉक में, तो 12 नंबर्स में कितने मिनट्स हुई, 12 5 60 मिनट्स, तो 1 आवर में मिनट्स हैं 60, और हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स गिवन है आवर्स में, और उनकी हमें क्या बनानी है, मिनट्स बनानी है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सो हमें पता है कि 1 आवर में मिनट्स कितनी है, तो इजीली वी हैव टू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक नंबर से ज़्यादा नंबर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इट मीन्स इन ईच ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 60। सो फर्स्ट पार्ट है 7 आवर्स, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में मिनट्स है 60, और कितने आवर्स में मिनट्स बतानी है हमें, 7 आवर्स में। 7 आवर्स इज इक्वल टू 60 × 7 मिनट्स, या और अनदर वे में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 60, 60 को पहले लिखो या 7 को पहले लिखो, आंसर सेम आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम किन्हीं भी टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स गिवन है, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। सो आप एनी ऑफ द टू नंबर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्टली, देन यू मल्टीप्लाई बाय द थर्ड, देन आवर आंसर इज कम सेम। सो 7 आवर्स में मिनट्स कितनी हो जाएंगी बेटा, ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, नाउ 7 6 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की टेबल में 6 जा पे क्या आता है, 7 6 42, आंसर क्या है हमारा, 420 मिनट्स। 7 आवर्स में कितनी मिनट्स हुई हमारी, 420 मिनट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है बी पार्ट, बी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 12 आवर्स, हमें क्या करना है, 12 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 12 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 60 से सेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और कन्वर्ट करना हमें 12 आवर्स को, 12 आवर्स में ज़्यादा होंगी तो 12 × 60 या 60 × 12, ओके। सो 60 को 12 से मल्टीप्लाई करो या 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल कम सेम। 12 की टेबल यू ऑल आर नो आती है, अगर नहीं आती 12 का टेबल तो फर्स्टली मल्टीप्लाई विद 2 देन 1, 12 0 0, 12 6 क्या होता है, 12 1 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 क्या होता है बेटा, 60, एंड 12 6 क्या होता है, 72। तो आंसर क्या है हमारा, 720। इट मीन सो द 12 आवर्स आर हैविंग, 12 आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं,
720 minutes. 720 minutes. नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट. सी पार्ट में क्या गिवन है? 15 आवर्स. ये भी आवर्स है, इन नंबर्स में भी आवर्स है, तो यहाँ भी क्या करना हमें? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना. तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन आवर में 60 मिनट्स. वन आवर में कितनी मिनट्स होती हैं बेटा? 60 मिनट्स. और 15 आवर्स में क्या होंगी? ज़्यादा होंगी ना. और ज़्यादा के लिए ऑलवेज, जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. यानी कि वन नंबर से हम ज़्यादा नंबर पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो 15 आवर्स में ज़्यादा होंगी, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 15 मिनट्स. जैसे ही हम वहाँ पे मल्टीप्लाई विद 60 लिखेंगे तो जो आवर्स थे वो क्या बन जाएंगे? मिनट्स बन जाएंगे. सो 15 की टेबल आती है आपको? सम स्टूडेंट नो द टेबल ऑफ 15. सो 15 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू नो द टेबल ऑफ 15 देन डायरेक्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई 60 विद 15. अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 60 विद 5 देन मल्टीप्लाई 60 विद 1. तो हम 60 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 0 0. नाउ नेक्स्ट डिजिट से 5 को अब हम नेक्स्ट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 जा 30. देन अब हम 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 60 को, तो 1th प्लेस पे या तो ब्लैंक या ज़ीरो या क्रॉस. देन 10th प्लेस पे हम लिखना, स्ट्राइट करना स्टार्ट करेंगे जो भी आंसर आएगा. नाउ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? फर्स्टली 0 से. 1 0 जा 0. देन 1 6 जा 6. 0 0 एंड 3 + 6 9. ऐड करने से क्या आंसर आया हमारा? 900. इट मीन्स जो 15 आवर्स हैं, 15 आवर्स में कितनी मिनट्स हैं हमारी? 15 आवर्स में मिनट्स कितनी हैं? 900 मिनट्स. 900 मिनट्स. नेक्स्ट क्या है? 32. नंबर इज बिग बट द सॉल्यूशन इज सेम. अब ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. डी एंड ई पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. एफ पार्ट में नंबर क्या है? 32 आवर्स. सो 32 आवर्स नंबर बिग है बट सॉल्यूशन सेम वे में करना है हमें. वन आवर में मिनट्स 60 मिनट्स और 32 आवर्स 32 में और ज़्यादा मिनट्स होंगी. सो 32 को भी हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो एनी नंबर यू हैव टू राइट एट फर्स्ट. अगर आप 60 को पहले लिखो या 32 को पहले लिखो. 32 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स. मल्टीप्लाई में और एडिशन में बेटा एनी ऑफ द नंबर यू हैव टू राइट एट फर्स्ट बट योर आंसर विल कम सेम. अब 32 को हमें क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है. 32 को 60 से मल्टीप्लाई करो. फर्स्टली 32 मल्टीप्लाई विद 0. 0 2 ज़ा 0. 0 3 ज़ा 0. देन 1's प्लेस पे क्रॉस या 0. नाउ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 को. 6 2 ज़ा 12. 12 के लिए 2 कैरी 1. 6 3 ज़ा क्या होता है? 18. 18 और 1 क्या था हमारे पास? कैरी. 18 और 1 कैरी 19. आंसर क्या आ गया? 1920. आंसर क्या आया? 1920. सो इन द 32 आवर्स, जो 32 आवर्स हैं दे आर हैविंग 1920 मिनट्स. 32 आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं? 1920. सो टुडेज होमवर्क इज टू डू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इन योर फेयर नोटबुक. ओके बेटा, थैंक यू.